नमस्कार, मैं विद्या राय और स्वागत है आप सभी का देव क्राफ्टर के न्यूज बुलेटिन में। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावक भी काफी परेशान हैं। सीबीएसई का कंपार्टमेंट एग्जाम होगा या फिर नहीं, इस बात को लेकर सीबीएसई ने अभी तक तो कोई भी फाइनल बयान नहीं दिया है और इसके लिए कोई भी डेट शीट भी जारी नहीं किया है, जिससे कि पता चल सके कि सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम को लेगी या फिर नहीं। इस होती हुई देरी को देखते हुए छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सीबीएसई को एक सप्ताह का वक्त दिया और कहा कि छात्रों का पक्ष जाना जाए कि वो इस एग्जाम को देना चाहते हैं या फिर नहीं। क्योंकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सीबीएसई को कहा कि जब कोरोना का मामला इतना ज़्यादा नहीं था तब सीबीएसई ने एग्जाम को कैंसिल कर दिया था, लेकिन अब इस वक्त कोरोना का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ऐसे में अगर कंपार्टमेंट एग्जाम होता है तो स्टूडेंट के जान को खतरा हो सकता है। तो ऐसे में सीबीएसई को क्या करना चाहिए, इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को कहा कि आप बच्चों का पक्ष जानो और उनसे राय लो कि एग्जाम होगा या फिर नहीं। बच्चों के राय के बाद ही सीबीएसई इस पर कोई निर्णय लेगी। मैं उन बच्चों को एक बात कहने चाहूंगी कि जो बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका कंपार्टमेंट लगा हुआ है, वो अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि अगर कंपार्टमेंट एग्जाम होता है तो उनके लिए आसान होगा, क्योंकि वो अपनी तैयारी को जारी रखेंगे, उनके उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। अगर कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं भी होती है तो भी इसको लेकर भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और कंपार्टमेंट एग्जाम से जुड़ी हुई न्यूज को भी देखते रहिए ताकि आपको इसके अपडेट्स मिलते रहें। दूसरी सबसे बड़ी न्यूज यह है कि बिहार बोर्ड वाले बच्चों का जिनका कंपार्टमेंट लगा था उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में उन बच्चों को जिनका कंपार्टमेंट था उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया है। बच्चे अपने रिजल्ट बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि उनका रिजल्ट क्या आया है। तो ये एक बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि उनको इस कंपार्टमेंट के झंझट को नहीं अब झेलना पड़ेगा, वो इस झंझट से अब मुक्त है। अब उनका रिजल्ट बन चुका है और वो आगे के क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। एजुकेशन से जुड़ी ऐसी ही न्यूज के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।